अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर नादरा हूँ। बच्चों, पांचवी जमात में इससे पहले हम लोग एक से लेकर छह तक सबक मुकम्मल कर चुके थे सवालात के साथ, और रिवीजन एक से चार लेसन तक का सबक तक का कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोग उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर में हम लोग इस्म फेल हर्फ, उसकी तारीफ और उसकी किस्में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग पीछे की बातों को, जो आप पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा दोहराते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कलमा या लफ्ज की तारीफ। जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा यानी लफ्ज कहते हैं। अल्फाज की मदद से पूरा कलमा और हुरूफ की मदद से अल्फाज बनते हैं। जब कई हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज बन जाते हैं, जैसे ऐन, काफ, लाम मिलकर अक्ल बन गया। इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं, जैसे तुम अक्ल से काम लो। कलमा या लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू और महमल। मौजू मानी अल्फाज को, बामानी अल्फाज को मौजू कहते हैं, जैसे सड़क, फूल, रोटी, यानी कि जिसका कोई मानी हो। महमल वो अल्फाज जिसके कोई मतलब ना निकलते हो, यानी बेमानी हो, जैसे वरक, सूल, सूल, बोटी। उर्दू कवायद में सिर्फ उन्हीं से बहस की गई है, उन्हीं अल्फाज से बहस की गई है जो मौजू है, यानी बामानी है, यानी कि उसका कोई मानी हो। उन्हीं बामानी अल्फाज को कलमा भी कहा जाता है। कलमा की तीन किस्में हैं, क्या क्या हैं? अब हम देखते हैं इस्म, फेल, हर्फ। कलमा की कितनी किस्में हैं बच्चों? तीन। कौन कौन? इस्म, फेल और हर्फ। अब हम लोग इस्म की तारीफ देखते हैं। आप लोग पीछे क्लासों में भी इसको पढ़ चुके होंगे, आप लोग भी याद कीजिए कि इस्म की क्या तारीफ हो सकती है। वैसे मैं बताती हूँ आपको, इस्म वो कलमा या लफ्ज जिससे किसी चीज, जगह, शख्स, फल फूल या जानवर का नाम मालूम हो, जैसे शाहीना, दिल्ली, ताजमहल, आम और शेर। हर्फ वो अल्फाज जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तन्हा लिखने या बोलने से इसका कोई मानी नहीं निकलते, यानी कि उसको अगर अकेला लिखा जाए तो उसका कोई मानी नहीं निकलता। किसी दो अल्फाज को वो जोड़ता है या दो जुमलों को जोड़ता है, जैसे तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर वगैरह। अब इसकी जैसे हम लोग मिसालें देखेंगे कि हर्फ को किसे हर्फ कहेंगे, किस तरह जुमलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो हम देखते हैं कि किताब मेज पर है, यानी इस जुमले के अंदर जो बीच में पर है ये हुआ आपका हर्फ। दूसरा जुमला देखते हैं, शाम तक आ जाना। इस जुमले में तक ये क्या है? हर्फ है। अगर शाम और आ जाना को हटा देंगे तक अपनी जगह कोई मानी नहीं रखेगा। अहमद को बुलाओ, इस जुमले में को आपका हर्फ हुआ। अगर अहमद और बुलाओ को हम हटा देंगे तो को अपनी जगह कोई मानी नहीं रखता, लेकिन इस जुमले में अहद और अहमद और बुलाओ को मिलाकर इस जुमले का मानी निकलता है कि अहमद को बुलाने कहा जा रहा है। अब हम लोग आएंगे फेल की तारीफ पढ़ेंगे। फेल की तारीफ भी आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा, आप अपने जहन में याद कीजिए, लेकिन मैं फिर आपको बताती हूँ। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, जैसे नवैद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं। तो इन जुमलों में दौड़ता है और खेल रहे हैं क्या है? फेल है। इस जुमले से, इस लफ्ज से किसी काम का करना या होना मालूम हो रहा है कि दौड़ने का काम हो रहा है और खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है बच्चों? दौड़ने का और खेलने का, इसीलिए ये लफ्ज फेल हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अकसामी इस्म, यानी के इस्म की किस्में। तो इस्म की किस्में भी पीछे पढ़े हो आप लोग, तो इसमें
इस्म की किस्में है इस्म जामिद, इस्म मजदर, इस्म मश्तर। इस्म की कितनी किस्में है बच्चों? तीन। आप लोग इसे याद रखेंगे और जरूर याद करेंगे, इस्म जामिद, इस्म मजदर, इस्म मश्तर। आप लोग पीछे जमात में भी इसे पढ़ चुके हो। इस्म जामिद वो इस्म है जो ना तो खुद किसी से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज उससे निकले, यानी के ना तो ये खुद किसी से निकला हो और ना ही कोई दूसरा लफ्ज इससे निकले, जैसे कि कागज, कलम, पत्थर। तो क्या ये लफ्ज कागज किसी से निकला है और क्या इससे कोई लफ्ज आप बना पाएंगे, कुछ निकाल पाएंगे? नहीं। अब हम लोग इसके आगे दूसरे में मिसाल देखते हैं कि कैसे किसी लफ्ज से दूसरा लफ्ज निकलता है। इस्म मजदर वो लफ्ज है जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों। ये मजदर के बारे में भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। मजदर की अलामत हम लोग बात कर रहे थे, मजदर की अलामत ना है यानी कि उसकी पहचान है कि जिस लफ्ज के आखिर में नू अलिफ ना होगा तो ये मजदर है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आपको याद नहीं है तो फिर से ध्यान में बैठा ले इस बात को कि मजदर की अलामत है यानी कि उसकी ये पहचान है कि उसके आखिर में नू अलिफ ना होगा, जैसे दौड़ना, करना, पीना वगैरह। तो मजदर के बारे में सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि ये तो खुद किसी लफ्ज से ना निकला हो, जैसे कि दौड़ना, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलने हैं तो इस लफ्ज दौड़ना से हम लोग बहुत सारे कलमे बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? जैसे दौड़ने वाला, दौड़, है ना। इसी तरह अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस्म मश्तर। वो इस्म है जो किसी मजदर से बना हो यानी के मश्तक मजदर से, जैसे के दौड़ना, दौड़ना से हुआ दौड़ने वाला, तो ये दौड़ना मजदर हुआ और ये दौड़ने वाला क्या हुआ? मश्तक। जैसे कि लिखना, लिखना क्या हुआ? मजदर हुआ। और लिखना से बनाए हम लोग, मैंने बताया कि मश्तक किसे कहते हैं जो मजदर से बना हो, तो इस लिखना लफ्ज से जब हम लोग लफ्ज बनाएंगे लिखने वाला, लिखावट, तो ये लिखावट और लिखने वाला ये क्या हुआ? मश्तक। इस फर्क को बच्चों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, अक्सर बच्चे मश्तक और मजदर में कंफ्यूज करते हैं, गड़बड़ाते हैं, तो ये आप याद रखिए सबसे पहली बात कि मजदर के आखिर में नू अलिफ ना होगा। जिस लफ्ज के आखिर में नू अलिफ ना होगा वही होगा मजदर, अगर नू अलिफ ना उसके आखिर में नहीं है तो मजदर नहीं है बच्चों। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, गड़बड़ाएं नहीं। और नू अलिफ ना होगा और मजदर से ही हम दूसरा लफ्ज बना सकते हैं, और ये जो दूसरा लफ्ज बनाएंगे उसे ही मश्तक कहेंगे, जैसे चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ना लफ्ज हुआ आपका मजदर, इससे जो चढ़ाई बनाया, इससे बनाया मैंने चढ़ने वाला, तो ये हुआ आपका मश्तक। तो आप इस फर्क को अच्छी तरह समझ गए, अब फिर दोबारा से ध्यान से इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अब मश्तक की मिसाल हम लोग देखते हैं, जैसे खाने वाला, हसोड़, यहाँ सोड़ लफ्ज से किससे बना? हंसने वाला से, हंसना से। खाने वाला किससे बना? खाना से। थकन किससे बना? कौन से मजदर से बना है? थकना। लड़ाका, लड़ाका हुआ मश्तक, ये किससे बना? कौन से मजदर से बना है? लड़ना। गिरता पड़ता, ये कौन से मजदर से बना है? गिरना पड़ना। तो ये फर्क आपको समझ में आया मजदर और मश्तक का? मश्तक मजदर से निकलता है और मजदर वो है जो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे मश्तक निकलता हो, दूसरे कलमे निकलते हैं। ये मैंने आपको मिसाल देके समझाया, जैसे कि दौड़ना से दौड़ने वाला, हंसना से हंसोड़, थकना से थकन, लड़ना से लड़ाका लड़ाई, गिरना पड़ना से गिरता पड़ता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अक्साम इस्म जामिद यानी कि इस्म जामिद की किस्में। इस्म जामिद की दो किस्में हैं, इस्म मारफा खास और इस्म नकरा आम। बच्चों इन दो किस्मों को आप लोग इस्म की किस्मों में पढ़ चुके हैं, यानी कि मानी के एतबार से दो किस्में, इस्म मारफा आम जो आप लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, यानी इस्म मारफा, इस्म मारफा को कहते हैं इस्म खास भी, इसी तरह इस्म नकरा को
इस्म आम भी कहते हैं। तो ये इस्म जामिद की दो किस्मों को आप याद रखें, इस्म मारफा खास और इस्म नकरा आम। इस्म मारफा किसे कहते हैं? इस्म मारफा को इस्म खास भी कहते हैं, यानी वो इस्म जिससे किसी खास शख्स, जगह या खास चीज का नाम समझा जाए, जैसे असलम, देहली, चांदनी चौक, कुतुब मीनार, ये सारे नाम खास हैं, आम नहीं। तो ये क्या हुआ? इस्म मारफा हुआ। इस्म नकरा उसको इस्म आम भी कहते हैं, वो इस्म है जिससे किसी आम शख्स, चीज, जगह या जगह का इल्म हो, जैसे लड़का, मकान, किताब वगैरह। तो बच्चे इस्म मारफा और इस्म नकरा के फर्क को आप समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि इस्म मारफा के ब्रैकेट में ये लिखा हुआ, इस्म खास, खास के खास चीज, जगह या शख्स के नाम को हम लोग इस्म मारफा कहेंगे, और आम चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म नकरा कहेंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ, और उसके बाद इस्म की किस्में, तो और उसके बाद इस्म जामिद की किस्में। तो इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसे अच्छी तरह याद करेंगे। पहले जो कुछ मैंने करवाया, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कई बार इसे पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, पीछे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा, तो उसे आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग बच्चों आपका घर का काम आपको दे रहे हैं, इसे आपको करना है। सारे सवालात मैं आपको करवा चुकी हूँ तहरीर की शक्ल में, और अब इसे आपको लिखना है, उसको याद करना है। यह आपका घर का काम। सवाल नंबर एक, कलमा की कितनी किस्में हैं और कौन कौन उनके नाम लिखें। सवाल नंबर दो, इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ मिसाल के साथ, यानी इन तीनों की तारीफें लिखनी है मिसाल के साथ, इस्म की तारीफ, फेल की तारीफ और हर्फ की तारीफ। हम लोग अभी अभी इसे पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर तीन, इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। कितनी किस्में हैं बच्चों? इस्म की तीन किस्में हम लोगों ने पढ़ा, जामिद, मजदर, मश्तक। तो इसे आप लोग लिखेंगे और उनके नाम लिखेंगे। सवाल नंबर चार, जामिद, मजदर, मश्तक की तारीफ मिसाल के साथ। अभी अभी मैंने इनकी तारीफ आपको समझाया है और उनकी मिसालें बताई हैं, इसे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। सवाल नंबर पांच, इस्म नकरा और इस्म मारफा की तारीफ। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा और मैंने आपको उसे समझाया, तो आप लोग समझ गए होंगे इन सवालात को आपको करना, या आपका घर का काम रहा, और इन सारे सवालात को लिखने के बाद आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो आपका आज का ये ग्रामर यहीं तक है। इसके बाद और कवायद हम लोग फिर किसी क्लास में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। खास चीज, जगह या शख्स के नाम को हम लोग इस्म मारफा कहेंगे, और आम चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म नकरा कहेंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ, और उसके बाद इस्म की किस्में, तो और इसके बाद इस्म जामिद की किस्में। तो इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसे अच्छी तरह याद करेंगे। पहले जो कुछ मैंने करवाया, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कई बार इसे पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, पीछे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा, तो उसे आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग बच्चों आपका घर का काम आपको दे रहे हैं, इसे आपको करना है। सारे सवालात मैं आपको करवा चुकी हूँ तहरीर की शक्ल में,
और अब इसे आपको लिखना है, उसको याद करना है। यह आपका घर का काम। सवाल नंबर एक, कलमा की कितनी किस्में हैं और कौन कौन उनके नाम लिखें। सवाल नंबर दो, इस्म फेल हर्फ की तारीफ मिसाल के साथ, यानी इन तीनों की तारीफें लिखनी है मिसाल के साथ, इस्म की तारीफ, फेल की तारीफ और हर्फ की तारीफ। हम लोग अभी अभी इसे पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर तीन, इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। कितनी किस्में बच्चों? इस्म की तीन किस्में हम लोगों ने पढ़ा, जामिद, मजदर, मश्तक। तो इसे आप लोग लिखेंगे और उनके नाम लिखेंगे। सवाल नंबर चार, जामिद, मजदर, मश्तक की तारीफ मिसाल के साथ। अभी अभी मैंने इनकी तारीफ आपको समझाया है और उनकी मिसालें बताई हैं। इसे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। सवाल नंबर पांच, इस्म नकरा और इस्म मार्फा की तारीफ। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा और मैंने आपको उसे समझाया, तो आप लोग समझ गए होंगे इन सवालात को आपको करना है, या आपका घर का काम रहा। और इन सारे सवालात को लिखने के बाद आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो आपका आज का ये ग्रामर यहीं तक है। इसके बाद और कवायद हम लोग फिर किसी क्लास में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज। खास चीज, जगह या शख्स के नाम को हम लोग इस्म मार्फा कहेंगे और आम चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म नकरा कहेंगे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ, और उसके बाद इस्म की किस्में, तो और इसके बाद इस्म जामिद की किस्में। तो इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसे अच्छी तरह याद करेंगे। पहले जो कुछ मैंने करवाया इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कई बार इसे पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा, तो उसे आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग बच्चों आपका घर का काम आपको दे रहे हैं, इसे आपको करना है। सारे सवालात मैं आपको करवा चुकी हूँ तहरीर की शक्ल में, और अब इसे आपको लिखना है, उसको याद करना है। यह आपका घर का काम। सवाल नंबर एक, कलमा की कितनी किस्में हैं और कौन कौन उनके नाम लिखें। सवाल नंबर दो, इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ मिसाल के साथ, यानी इन तीनों की तारीफें लिखनी है मिसाल के साथ, इस्म की तारीफ, फेल की तारीफ और हर्फ की तारीफ। हम लोग अभी अभी इसे पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर तीन, इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। कितनी किस्में बच्चों? इस्म की तीन किस्में हम लोगों ने पढ़ा, जामिद, मजदर, मश्तक। तो इसे आप लोग लिखेंगे और उनके नाम लिखेंगे। सवाल नंबर चार, जामिद, मजदर, मश्तक की तारीफ मिसाल के साथ। अभी अभी मैंने इनकी तारीफ आपको समझाया है और उनकी मिसालें बताई हैं। इसे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। सवाल नंबर पांच, इस्म नकरा और इस्म मार्फा की तारीफ। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा और मैंने आपको उसे समझाया, तो आप लोग समझ गए होंगे इन सवालात को आपको करना है, या आपका घर का काम रहा। और इन सारे सवालात को लिखने के बाद आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो आपका आज का ये ग्रामर यहीं तक है। इसके बाद और कवायद हम लोग फिर किसी क्लास में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।